बैक टू माई चैनल सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बच्चों के स्वेटर के लिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लेके आए हैं। यह डिजाइन स्माइली वाली डिजाइन है। यह किसी भी बच्चों के स्वेटर में बनाएं बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, बड़े या छोटे किसी भी बच्चों में बनाएं। यह देखिए, यह जो फंदा है यह हमने 20 फंदा लिए हैं। एक एक फंदा एक्स्ट्रा फंदे हैं दोनों तरफ, और 3 के मल्टीपल में हमने 18 फंदे लिए हैं, यानी 3-3 फंदे के बने हुए डिजाइन हैं। तो इसे बनाना फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ 3 फंदा जो है हमारा, इसमें डिजाइन बनेगा, और एक फंदा जो एक्स्ट्रा है उसे हम ब्लू कलर से इस तरीके से बुन लेंगे। फिर उसके बाद 3 फंदे को हम यहाँ से बिना बुने उठा लेंगे। उसके बाद 3 फंदा हमें उल्टा ही बुनना है, 2-3, फिर 3 फंदा हमें उठा लेना है। फंदा हमें आगे पीछे नहीं करना है। इसी तरीके से फर्स्ट रो में हम बुन लेंगे। या देखिए, हम फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिए। अब सेकेंड रो में देखिए हमें क्या करना है। सेकेंड रो में हमें यह ब्लू वाले फंदे को सीधा ही बुन लेना है यह, और इस फंदे को जो है हमें इस तरीके से उठा लेना है। इसी तरीके से हम रिपीट कर लेंगे सेकेंड रो में बैक साइड से। देखिए हमारा सेकेंड रॉ जो है अब कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड रॉ में देखिए हमें क्या करना है। थर्ड रॉ में हमें यहाँ देखिए अब हमें वाइट कलर से बुननी है, तो हम एक एक्स्ट्रा वाले फंदे को बुन लेंगे, और डिजाइन वाले जो 1-2-3 है उससे हम एक फंदा बुन लेंगे। और यहाँ देखिए ये जो 2 फंदे हमने यहाँ से फंदे जो नहीं बुना था उसे इस तरीके से अंदर की ओर से लेते हुए हमें सीधा बुन लेना है। बाकी सभी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ हमने देखिए 1-2-3-4 और 5 फंदे जो है हम वापस से बुन लेंगे। फिर देखिए यहाँ जो 3 फंदे डिजाइन थे, फिर नीचे की ओर से यहाँ हमें इस तरीके से बनानी है। तो हमारा यह स्माइली देखिए बनके तैयार हो गया। यहाँ देखिए इसी तरीके से हम 5 फंदे जो हैं बुनने के बाद, यहाँ देखिए 5 फंदे हमने बुन लिए वापस से। फिर नीचे से हमें यहाँ इस तरीके से, यहाँ देखिए फंदा को नीचे से हमें लाना है और इसे बुन लेना है। सारे फंदे को हम वाइट कलर से बुन लेंगे। तो हमारा इस तरीके का स्माइली बनके यहाँ तैयार हो गया। बैक साइड से हमें सारे फंदे को वाइट से ही बुन लेना है। अब देखिए सारे फंदे जो हम एक ही कलर से बुनेंगे, यानी 4 रॉ हमारा कंप्लीट हो गया। यह डिजाइन जो है 4 रॉ में बनके कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखिए हमारा इस तरीके का स्माइली दिखेगा, और एक स्माइली हमने यहाँ बनाए हैं। तो अब हमारा स्माइली एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी एक के ऊपर दूसरी स्माइली नहीं बनेगी। अब देखिए हम फिर दूसरी स्माइली अब जो है हम बनाते हैं। अब देखिए हम जो है यहाँ 1-2, ये तो एक्स्ट्रा वाले फंदे 1-2-3, यहाँ देखिए हम किस तरीके से बुनते हैं। वापस से हम इस कलर से ही बुनेंगे,
तो देखिए यहाँ यहाँ जो हम इस यहाँ देखिए ये फंदा जो हमने बांधे थे नीचे से लाकर ऊपर की ओर स्माइली, यहाँ अब हम इस तरीके से उल्टा बुनेंगे, तीन उल्टा बुनेंगे और फिर वापस से यहाँ तीन फंदा हम उठा लेंगे। तो यहाँ हमारा दूसरा स्माइली जो हमने यहाँ यहाँ जो फंदा नीचे की ओर से निकाले थे अब यहाँ बनेगी। वापस से देखिए यहाँ 1 2 3 यहाँ देखिए तीन फंदा हो गया, फिर 1 2 3 फिर वापस से तीन फंदा हम बुन लेंगे 1 2 3 फिर तीन फंदा हम उठा लेंगे और एक फंदा जो है हम उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड से हमें उसी तरीके से बुनना है, यहाँ देखिए 2 3 फिर यहाँ यहाँ देखिए इस तरीके से जो है हमारा यहाँ बनते जाएगा। फिर 2 3 फिर इस फंदे को हम उठा लेंगे, फिर यहाँ से देखिए यह फंदा इस तरीके से बनते जाएगा 2 3 दो अब देखिए यहाँ फ्रंट से हम फिर वापस से दूसरी स्माइली बनाते हैं। अब देखिए यहाँ फिर हम ब्लू कलर से हमें नहीं बुनना है, हम वाइट कलर से स्माइली बनाएंगे। तो वाइट कलर से हम बुन लेंगे 2 और 3 यहाँ देखिए यहाँ चार फंदा हमने बुन लिए। अब यहाँ से जो है वापस से हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, फंदे को हम नीचे की ओर बुन के लाएंगे और यहाँ हमारा अब दूसरा स्माइली बन के तैयार हो गया। यहाँ देखिए फिर वापस से हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ देखिए ये हमारा वापस से स्माइली बन गया 2 3 यहाँ देखिए फिर नीचे से हमें ऊपर की ओर इस तरीके से जाना है फंदा को। ये हमारा अब दूसरी वाली जो है पहले हमने यहाँ यहाँ देखिए 1 2 3 स्माइली बनाए थे, फिर ठीक इसके ऊपर जो है यहाँ हम नहीं बना के यहाँ पे बनाए हैं और इसके बीच में बनाए हैं और बैक साइड से हम फिर वापस से हम वाइट कलर से बुन लेंगे। अब हमारा ये भी 4th रो कंप्लीट हो गया। ये हमारा कुछ इस तरीके का स्माइली जो है वाली डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। आप भी इसी तरीके से बनाएं बेबी स्वेटर में, बहुत ही सुंदर लगेंगे। और मेरे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।